दुआ और नौशिरवान कैसे साथ रहे, सरफराज की शामत कब आएगी। दुआ ने सरफराज को देखकर लंबी तमहीद बांधी जिसे शायकीन ने कुछ ज्यादा पसंद नहीं किया। ड्रामे की बोरियत बढ़ती जा रही है, स्लो पेस पर स्टोरी चलने पर भी शाइकेन में क्यूरोसिटी पाई जाती है। लेटेस्ट एपिसोड में दुआ सरफराज के ऑफिस में जाती है और उसे थ्रेट करती है। अब सरफराज दुआ से थोड़ा डर चुका है। दूसरी तरफ फैंस को सुंबल का रिएक्शन भी कुछ खास नहीं भा रहा। सुंबल की अचानक शुरू होने वाली चालाकियां नया ट्विस्ट ले आई हैं। अगली किस का टीजर देखें तो ऐसा लगता है कि दुआ ने फिर से जाकर सरफराज को धमकाया है। बदले में सरफराज ने नौशिरवान के कान भरना शुरू कर दिए हैं। अब यहां से दोनों के ताल्लुक में एक दरार पैदा हो गई है। ऐसा महसूस हो रहा है कि सरफराज अपने बॉस की दौलत हथियाना चाहता है। ड्रामे की 46th एपिसोड अब इंटरेस्टिंग रही। मेगा ड्रामा सीरियल की कहानी रिहाना आफताब के कलम की जादूगरी है, जिसे दिलकश और हसीन मंजरकशी के साथ मोहसिन मिर्जा की हिदायत ने दिलचस्पी के पैराए में ढाला है। क्यूरोसिटी से भरपूर ड्रामा सीरियल देखते रहें। अगले रिव्यू के साथ फिर हाजिर होंगे। नए रिव्यू के लिए वॉक कैपिटल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा।